Good morning, students. In our last class session, we were studying about the alcohols. In last class, we were studying about the alcohols. हम alcohol के बारे में study कर रहे थे. What are the alcohols? Alcohols क्या होते हैं? Types of alcohols. Alcohols के कितने types होते हैं? Preparation method of alcohols. अब अपन पढ़ेंगे properties of alcohols. अगला जो हमारा topic है that is वो है properties of alcohol. प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है. तो हमारा जो टॉपिक था दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे थे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की एल्कोहल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स. ठीक है, तो पहला जो हमारे पास आएगा प्रॉपर्टीज एल्कोहल में, वो जो हमारे पास टॉपिक है पहला दैट इज वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे कि एल्कोहल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो पहला जो हम करेंगे कि एल्कोहल्स आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है. एल्कोहल्स होते हैं जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, और इनमें जो स्मेल होता है वो कौन सा होता है, इनमें वो एल्कोहलिक होता है. एल्कोहलिक स्मेल इनमें पाया जाता है. एल्कोहलिक स्मेल इनमें होता है. किसकी बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करते हैं, तो C1 से लेकर के C11 तक तो ये क्या होता है बेटा, लिक्विड होते हैं. C1 से लेकर के C11 तक तो ये क्या होता है, लिक्विड होते हैं. ठीक है, और C12 से आगे क्या होता है, ये वैक्स लाइक होते हैं. क्या होता है, वैक्स लाइक होते हैं, मतलब मोम की जैसे होते हैं. फोर्थ वन की बात करें ये सॉल्युबल इन वाटर होता है. ड्यू टू एचबी का मतलब होता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, इसलिए सॉल्युबल इन वाटर होता है. तो ये मेरे पास कुछ एल्कोहल की प्रॉपर्टीज हैं. सब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स की हम बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो आती है इसमें कि एल्कोहल्स आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल्स आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. के एल्कोहल से होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं. सेकंड हम बात करें तो स्मेल्स की बात करें तो इनमें एल्कोहलिक स्मेल्स इनमें पाया जाता है, इनमें एल्कोहलिक स्मेल्स होता है. तीसरे अगर हम बात करें कि C1 से लेकर C11 तक होता है, ये क्या होते हैं, ये लिक्विड होते हैं. क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं. और C12 से आगे जो होते हैं ये वैक्स लाइक होते हैं, ये मॉम के जैसे होते हैं, वैक्स के लाइक होते हैं या मॉम जैसे होते हैं. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं कि एल्कोहल्स आर द सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म द हाइड्रोजन आयन. ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं इसलिए क्या होते हैं, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. सॉल्युबल इन वाटर तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहां मैंने लिखा कि ये मेरे पास किसी से बीकर, ये बीकर है और ये बीकर के अंदर क्या है, मेरे पास क्या है, ये इसके अंदर मैंने एल्कोहल लिया है. ठीक है, ये इसके अंदर एल्कोहल लिया है. सपोज कीजिएगा मैंने इसके अंदर क्या मिक्स कर दिया, मैंने इसके अंदर वाटर को मिक्स किया. एल्कोहल है और एल्कोहल के अंदर मैंने किसको मिक्स कर दिया, वाटर को मैंने अगर मिक्स कर दिया, ये एल्कोहल है और एल्कोहल में मैंने सपोज कीजिएगा अगर वाटर को मिक्स कर दिया तो वाटर को मिक्स करने के बाद यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो वो कैसे होगी वो देखिएगा. ये मेरे पास क्या है, HCO और ये R, ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल है. यहाँ मैंने लिखा HOH, ये हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल है. उसके बाद मैंने लिखा HOR, ये मेरे पास एल्कोहल का मॉलिक्यूल है. उसके बाद मैंने लिखा HOH. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, यहाँ पर इनमें यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, यहाँ पर इनमें यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी. तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होते हैं, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि एल्कोहल्स आर द सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई इज द एल्कोहल आर द सॉल्युबल इन वाटर. तो आप लिख सकते हो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, एल्कोहल होते हैं सॉल्युबल इन द वाटर, एल्कोहल जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सॉल्युबल होते हैं. एक और बात करते हैं, दिस इज द CH3CO. CH3CO होता है, इसे मिथेनॉल बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है. वुड स्प्रिट होता है, पॉइजनस इन नेचर होता है. पॉइजनस इन नेचर का मतलब होता है कि इसका नेचर जो होता है ना वो पॉइजनस होता है. और एक हमारे पास एल्कोहल होता है, वो हमारे पास जो एल्कोहल होता है दैट इज द CH3 एंड CH2OH होता है. CH3CH2OH होता है, इसे हम इथेनॉल कहते हैं. इथेनॉल कहते हैं, इसे हम ग्रेन स्प्रिट के नाम से जानते हैं. इसे हम ग्रेन स्प्रिट
ग्रीन स्प्रिंट के नाम से इसमें जाना जाता है। ग्रीन स्प्रिंट होता है, ये वुड स्प्रिंट होता है, ठीक है ना। ये यूज इसका यूज करने से क्या होता है, ये हमारे CNS को, CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये हमारे को इफेक्ट करता है, इसको उस पर प्रभाव डालता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये हमारा इफेक्ट डालता है। तो ये भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो अपन देख सकते हैं। एक और हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ना अगर हम बात करते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होता है, हाई होता है। ये अपन लिख सकते हैं कि एल्कोहल का हाई बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल जो होते हैं एल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तो एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो इसका भी हम एक रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं कि एल्कोहल्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द बिकॉज एल्कोहल हैव द हाइड्रोजन आयन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आयन, इंटरमॉलिक्यूलर है, इन्हें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, हाई होता है, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। तो ये इस नाम की चीजें हैं, आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज जो हो सकती है वो हमारे पास हो सकती है, द केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स। तीसरा हमारे पास हो सकता है द केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच बोथ बॉन्ड्स आर ब्रेक्स। द फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास होता है ड्यू टू द नॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू द नॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल है ना, कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फोर कैटेगरीज। The chemical properties of alcohols can be classified into the four categories. The first category is the breaking of the bond of OH. ठीक है, the second is the breaking of the bond of CO, and third is the breaking of the bond of CO and OH, and fourth is the chemical reaction due to the non pair of oxygen. ठीक है,
तो वी कैन से कि अल्कोहल आर द एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल आर द एसिडिक नेचर बिकॉज अल्कोहल्स गिव द प्रोटॉन्स. अल्कोहल्स आर द एसिडिक इन नेचर बिकॉज अल्कोहल गिव द प्रोटॉन्स, सो अल्कोहल्स आर द एसिडिक इन नेचर. ठीक है, सम केमिकल प्रॉपर्टीज शो द अल्कोहल आर द एसिडिक इन नेचर. कुछ सम केमिकल प्रॉपर्टीज शो दैट अल्कोहल आर द एसिडिक इन नेचर. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द रिएक्शन विद मैटर, रिएक्शन विद एक्टिव मैटर, रिएक्शन विद एक्टिव मैटर, रिएक्शन विद एक्टिव मैटर. रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, ये मेरे पास क्या अल्कोहल है, सैंपल की रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, सोडियम मेटल से करवाएगा. आप ध्यान रखिए, आपसे सोडियम मेटल कितने लोगे, आप दो लोगे. ठीक है, तो सोडियम मेटल आप दो लोगे, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, आप ऊपर माइनस आएगा, एन पर प्लस आएगा, है ना. और यहाँ मेरे पास क्या कर जाएगा, यहाँ से एस टू लिबरेट हो जाएगी. ये मेरे पास जो बना है इसको अपन नाम देंगे सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, इसको नाम दिया जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा. ठीक है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल आर द एसिडिक नेचर. अपन को पता रखना चाहिए कि अल्कोहल से अल्कोहल आर द एसिडिक नेचर, कि अल्कोहल जो होते हैं एसिडिक नेचर होते हैं. सेकंड अपन बात करेंगे रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल, कि रिएक्शन विद एक्टिव मेटल का मतलब होता है कि एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं. तो अगर हाइड्रोजन के अंदर कोई मेटल, कोई यानी का मतलब कोई कंपाउंड है, और वो कंपाउंड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है और मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद अगर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, उसका मतलब वो ये होगा कि वो कंपाउंड है ना वो एसिडिक है, नेचर में क्या है वो एसिड है. रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड की अगर बात करें, मेटल हाइड्राइड के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये मेरे पास वापस से देख लीजिएगा वही अल्कोहल है. सैंपल की रिएक्शन मैंने मेटल हाइड्राइड है, तो सोडियम हाइड्राइड से करवाई है. सोडियम हाइड्राइड से करवाने के बाद मेरे पास आर को माइनस और एन प्लस हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, एस टू हो गया. तो यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा. अपन कह सकते हैं यहाँ से भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है. ठीक है, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज द अल्कोहल आर द एसिडिक नेचर बिकॉज अल्कोहल गिव द प्रोटॉन्स. अल्कोहल्स आर द एसिडिक नेचर बिकॉज अल्कोहल गिव द प्रोटॉन्स. अल्कोहल्स आर द एसिडिक नेचर बिकॉज अल्कोहल्स गिव द प्रोटॉन. कि अल्कोहल्स आफ्टर गिविंग द प्रोटॉन्स अल्कोहल फ्रॉम द एल्कोक्साइड, दो केमिकल रिएक्शन है जो ये शो करती है कि अल्कोहल ने जो एसिडिक नेचर होता है. तो पहला इसमें लिखेंगे कि रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल. रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल्स का मतलब होता है अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ करवाई जाती है. आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो मेटल होती है वो कोई भी कंपाउंड होता है अगर एक्टिव मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है तो वो एसिडिक नेचर होगा. सेकंड अगर बात करें रिएक्शन विद द मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड की अगर बात करते हैं, अगर अल्कोहल किसी मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है तो ये रिएक्शन भी शो करती है कि वो एसिडिक नेचर है, कि वो कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो वो क्या होगी वो देखेंगे. ठीक है, अगली जो बात आपको मेरे को एक्सप्लेन करनी है वो ये है, बात ये एक्सप्लेन करनी है कि बेटा देखो मेरे पास क्या है, ये H+ है, H+ प्रोटॉन है, ये मेरे पास क्या है अल्कोहल है. तो अल्कोहल में एक्चुअल में होता क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है. तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये OH आवरण के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है. अपने ओर आकर्षित करने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है. वीक होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन जो होता है वो इजीली हो जाता है. यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन है ना वो इजीली हो जाता है. ठीक है, इसलिए क्या होता है, अल्कोहल है ना वो एसिडिक के नेचर होते हैं. अल्कोहल्स क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं एसिडिक के नेचर, कि अल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक के नेचर होते हैं. ठीक है, एक पॉइंट तो मेरे पास क्या हो गया, इसको मैं अगर और आगे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि मेरे पास क्या है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है. अगर ये मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है तो वाटर का मॉलिक्यूल में वही यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, तो यहाँ पर ही मेरे पास एच ओ माइनस आएगा और एच प्लस आएगा, है ना. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये एल्किल समूह है, जैसे एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, ये जो एल्किल समूह होता है इस एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है. प्लस आई प्रभाव की वजह से ये वाला बॉन्ड है ना, इस वाले बॉन्ड की पॉलिटी डिक्रीज हो जाएगी. अगर इस वाले बॉन्ड की पॉलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ से रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन इजीली नहीं होगा. जहाँ पर क्या, यहाँ पर भी कोई प्लस आर प्रभाव नहीं होता तो इसलिए पॉलिटी डिक्रीज नहीं होती. इसलिए क्या होता है, इसलिए रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन प्रोटोन होता है इजीली हो सकता है. तो वी कैन से कि अल्कोहल, वी कैन से वाटर इज द मोर एसिडिक, वी कैन से वाटर इज द मोर एसिडिक देन द अल्कोहल. हम लिख सकते हैं वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. ठीक है, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. हम इसे लिख सकते हैं कि वाटर इज द मोर एसिडिक देन अल्कोहल. द मोर एसिडिक देन द अल्कोहल, द प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट द एस
एसिडिटी ऑफ द एल्कोहल डिक्रीज, एसिडिटी ऑफ द एल्कोहल डिक्रीज हो जाती है ना, एल्कोहल की एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से देख सकते हो, मेरे हिसाब से इस पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है ना वो है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की एसिडिटी का क्या ऑर्डर है। तो हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा। अगला है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल के एल्कोहल की एसिडिटी का क्या ऑर्डर है। व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की एसिडिटीज का क्या ऑर्डर होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा ये मेरे पास है, सबसे पहले ये मेरे पास है, ये है आर और ये सी और ये एच और ये एच और ये ओ एच है ना। इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ये आर सी एस टू और ये ओ एच, उसके बाद में ये आर और ये सी एच है और ये आर है और ये वापस से ओ एच है, उसके बाद में ये आर है, ये R है, ये C है और ये R है, ये R है और ये OH है। We can say this is the primary alcohol, secondary alcohol, this is tertiary alcohol and this is tertiary alcohol। इसको आप और अगर study करते हैं अच्छे से तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा C, यहाँ पर क्या हो जाएगा H है, जब ये हो जाएगा O और ये H। इसको जब study करते हैं तो ये R, ये C, ये R, ये H, ये O और ये H। इसे और study करेंगे तो R, C, ये R, ये R, ये O और ये H। हमको पता है ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। सो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड बॉन्डिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहां पर लिखेंगे आर सी एच टू और ये आर सी, आर सी ऊपर माइनस है और ये एच है और ये एच है। यहाँ की अगर अपन बात करते हैं तो आर सी और ये आर है, ये एच है, ये ऊपर माइनस है। यहाँ की अपन ऐसे बात करते हैं तो ये आर है, ये सी है, ये आर है, ये आर है, ये ऊपर माइनस है। यहाँ देखो इनका प्लस आई फैक्ट है, यहाँ दो का प्लस आई फैक्ट है, यहाँ दो प्लस आई फैक्ट है। तो अपन जानते हैं एसिडिटी, वी नो दैट द एसिडिटी, एसिड इज द इन्वर्शन इन प्रोपोर्शन टू द प्लस आई फैक्ट, प्लस आई फैक्ट इंक्रीज होगा एसिडिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर प्लस आई फैक्ट मोर है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर सबसे कम है। तो एरर ऑफ एसिडिटी अगर अपन बात करें तो सबसे अपन बात करेंगे कौन सबसे ज्यादा, जो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात करें प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी और सेकेंडरी के बाद में हमारे पास क्या है टर्शियरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक ऑर्डर हो गया, ये हमारे पास ऑर्डर जो आया है वो आया है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की एसिडिटी, एल्कोहल की एसिडिटी का क्या ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर को हम अपन देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की अगर बात करें तो हम इसमें सीधा सीधा सा ये लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, कि ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की एल्कोहल की एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, एसिडिटी इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट, प्राइमरी एल्कोहल इज द मोर एसिडिक देन द टर्शियरी एंड द सेकेंडरी, टर्शियरी एंड द सेकेंडरी एल्कोहल्स, बिकॉज लो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द ऑर्डर एसिडिटी। इन द प्राइमरी एल्कोहल प्लस आई इफेक्ट इज द वेरी लो एंड इन द टर्शियरी एल्कोहल द प्लस आई इफेक्ट इज द वेरी हाई, सो प्राइमरी एल्कोहल इज द मोर एसिडिक देन द टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स का था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऐसे इसमें क्या होता है, जो एनायन बनाई से एनायन किस टाइप पे डिपेंड करता है, ये एनायन बना इस एनायन किस टाइप पे डिपेंड करता है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर का मतलब है कि एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा,
दैट इज द एस्टरीफिकेशन ऑफ एस्टर, द एस्टरीफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो हमारे पास क्या होगा, हम कर देते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरे पास क्या अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, इसकी प्रेजेंस में ये जो होता है वो सारा सारा कंसंट्रेट एस्टर सुपर की प्रेजेंस में होता है और यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर डैश और ये एच टू, ये मेरे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया, जिसे बोलते हैं एस्टरीफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। की अल्कोहल का एस्टरीफिकेशन क्या होता है कि व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड इज द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड एस्टर्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर टेक प्लेस, व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल्स, when the carboxylic acid react with the alcohol in the presence of the concentrated ester support, then formation of the ester take place and this is known as the esterification, this is known as the esterification, okay? Next is, suppose this is the carboxylic acid, suppose this is carboxylic acid CH3COOH, this is acetic acid found in vinegar, okay? This is carboxylic acid, this carboxylic acid in each other makes single by CH3OOH, we can all single by it, okay? I mean, ये है कार्बोक्सी, ये एसिड, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये मेरे पास क्या है, मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल है, ठीक है। दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो इससे यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है तो ये मेरे पास क्या आता है, कंसंट्रेटेड एस्टर सुपर की प्रेजेंस में क्या होता है, ये मेरे पास बनेगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ और ये सी एस थ्री बनेगा और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो बनता है इसे हम कहते हैं मिथाइल एसिडेट, मिथाइल एसिडेट के नाम से इसको जाना जाता है, के नाम से जानते, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्डर्स ऑर्डर ऑफ एल्कोहल का, ऑर्डर ऑफ एल्कोहल का जो एस्टरीफिकेशन का ऑर्डर, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे इसको ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिड, ऑर्डर ऑफ एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में सबसे पहले हमारे पास आएगा फॉर्मिक एसिड, सबसे पहले मेरे पास आएगा फॉर्मिक एसिड के बाद में मेरे पास आएगा एसिटिक एसिड आएगा, एसिटिक एसिड के बाद में मेरे पास आएगा सी एच थ्री और ये सी एच टू और ये सी एच टू और ये OH, इस तरह से हमारे पास इनका ऑर्डर आएंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक प्रोसेस था, प्रोसेस ये है कि एस्टरीफिकेशन ऑफ एस्टर, कि एस्टर का हम एस्टरीफिकेशन किस तरीके से करवा सकते हैं, ये ऑर्डर ऑफ द एस्टर, तो ये बच्चों हमारे टॉपिक था, टॉपिक मैंने सॉल्व करवा दिया। टॉपिक ये कह रहा है कि एस्टरीफिकेशन, व्हाट इज द एस्टरीफिकेशन, कि व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल फॉर द कंसंट्रेटेड एस्टर सुपर, then formation of the ester take place, this reaction known as the esterification. Concentrated ester sulfur is the dehydrating agent. Concentrated ester sulfur is the dehydrating agent. ये dehydrating agent होता है, ये क्या होता है, carboxylic acid की reaction हम जब methanol से करवाते हैं तो concentrated ester sulfur की presence में क्या होता है, methyl acetate बन जाता है ना, methyl acetate का निर्माण हो जाता है। और carboxylic ये क्या होता है, order of alcohol की अगर हम बात करते हैं तो methanol होता है, फिर ethanol होता है, फिर उसके बाद में ये order of alcohol है, alcohol का एक order होता है acidity का, वो हमारे पास सॉरी एल्कोहल का एस्टरीफिकेशन का ऑर्डर होता है। उसी प्रकार से हमारे पर ऑर्डर ऑफ एसिड का भी एस्टरीफिकेशन का ऑर्डर होता है, इसमें साइज डिपेंडेंट होता है, साइज डिपेंडेंट होता है कि साइज पे डिपेंड करता है किसका एस्टरीफिकेशन पहले होगा, किसका का एस्टरीफिकेशन बाद में होगा, तो ये साइज डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो हमारा मैटर जो इसमें बच रहा है उसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, जो हमारी बाकी प्रॉपर्टीज बच रही हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हमने एक टाइप्स बता दिए, मैंने आपको बताया था एल्कोहल से मैं वो फोर टाइप्स केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, फोर टाइप्स में से मैंने आपको एक टाइप पहला टाइप से पढ़ाता हूँ, द केमिकल रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स, उसे मैंने आपको पहला टॉपिक तो ये बताया था कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, दूसरा एस्टरीफिकेशन बता रहा हूँ, कल इसमें एक और टॉपिक मैं आपको बताऊँगा एसाइलेशन, कैसे किया जाता है,
ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप्स क्लियर होती जाएंगी। एल्कोहल्स का टॉपिक है, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।